नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि म्यूटेशन अर्थात दाखिल खारिज अप्लाई करते समय आधार कार्ड डालना भूल गया, तो ऐसी परिस्थिति में क्या मेरा म्यूटेशन रद्द हो जाएगा या फिर राजस्व कर्मचारी के पास जाऊंगा तो यह मैटर सॉल्व हो सकता है। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए एक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की बात है कि कोई जमीन आप रजिस्ट्री कराए और रजिस्ट्री कराने के बाद दाखिल खारिज की प्रक्रिया होती है। तो दाखिल खारिज अर्थात म्यूटेशन कराने के लिए आप ऑनलाइन जब अप्लाई किए तो उस समय आधार कार्ड भी सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आपने सारे दस्तावेज का स्कैन करवाया, ठीक है, स्कैन करवा के अपलोड करवाया और आपने आधार कार्ड स्कैन करना और उसे अपलोड करना, इस तरह का कार्य आपने भूल गया तो अब आपके मन में असमंजस में आप पड़े हुए हैं कि मेरा दाखिल खारिज जो है वह रिजेक्ट हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। अब इसका सॉल्व हम कैसे करें? राजस्व कर्मचारी के पास जाएंगे तो वहां पर क्या होगा? तो दोस्तों, आप निश्चिंत रहें, घबराने की कोई बात नहीं है। आप जब म्यूटेशन का जो रिसीविंग पेपर होगा वो लेकर जब आप राजस्व कर्मचारी के पास जाएंगे तो वहां पर ये बात आप उन्हें बता भी सकते हैं, ठीक है, या नहीं भी बता सकते हैं, लेकिन दाखिल खारिज आपका हो जाएगा। यदि बता देते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, समय के मुताबिक अपडेट चेंज होते रहता है, इसलिए बता देंगे और अपना आधार कार्ड का एक जेरोक्स वहां पर जमा कर देंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि काम आपका ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, दाखिल खारिज आपका हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।